हमारे एरिया में संतरा प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है संतरे का, लेकिन उसको यहाँ पर पहले लोकल व्यापारियों को बेचते थे और वो कम दाम पर बिकता था। तो हमने इसको सर्च नेट पर सर्च करके हमने सर्च किया कि इसको अपन कैसे दूर बेच सकते हैं। तो उससे हमें पता लगा कि इसमें इसका प्रोसेसिंग करके यूनिट के द्वारा प्रॉपर प्रोसेसिंग करके इसकी जो अवधि है उसको बढ़ाया जा सकता है। इसके तहत हमने ये प्लांट स्थापित किया। इसके अंदर जो फर्स्ट प्रोसेस है उसमें रूट लाइनर है, उसके अंदर जो एक लिमिटेड मात्रा में ऑरेंज का फ्रूट जाता है, उसके बाद लाइन से जाता है, उसके बाद उसका वॉशिंग चैम्बर है, उसके अंदर पानी के द्वारा वो वॉश होता है, उसके बाद फिर उसका ब्रशिंग है, ब्रशिंग के बाद वैक्सिंग चैम्बर है जिसके अंदर फ्रूट वैक्स अप्रूव्ड वैक्स उस पर चढ़ाया जाता है, उसके बाद में उसको ब्रशिंग किया जाता है, ब्रशिंग से उसमें शाइनिंग आ जाती है। और जो नेक्स्ट उसका प्रोसेस है उसके अंदर उसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यानी कि साइज के हिसाब से 8 साइज के अंदर उसको डिवाइड किया जाता है, डिवाइड करके उसको पैक करके फिर उसको बाहर भेजने की सुविधा है। और यह आइडिया हमें एप्पल से आया। जैसे एप्पल कश्मीर में होता है और एप्पल अपने हाथ में आता है अपन को कश्मीर की याद आती है, वैसे ही हमने इस चीज़ को यहाँ के संतरे को बाहर भेजने के लिए, दूर तक भेजने के लिए, ताकि ख़राब नहीं हो, और हम उसको दूर तक कैसे भेज सकते हैं, यहाँ पे कम दाम मिलते हैं और अधिक दाम के लिए हमने नेट पे सर्च किया तो वहाँ पे ज़्यादा दाम मिलते हैं। हमने इसको सर्च करके फिर यहाँ से पैकिंग करके बाहर भेज रहे हैं। इसके लिए हमने नेट पे पूरा एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के थ्रू मार्केटिंग करी और वहाँ पे जो व्यापारी है, लोकल व्यापारी है, प्लस जो दूर के व्यापारी है उनसे संपर्क किया। उनसे संपर्क करके उनको हमारी यूनिट के बारे में बताया कि भाई हमारे पास इसमें ये प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर संतरे को ये प्रोसीजर करने के बाद उसका जो अवधि है 20 दिन तक बढ़ जाती है, 20 से 25 दिन तक बढ़ जाती है, संतरा फ्रेश रहता है, प्लस उसकी शाइनिंग अच्छी रहती है तो मार्केट के अंदर उसकी कीमत अच्छी मिलती है तो इसका डायरेक्ट फायदा किसानों को होता है। पहले किसान लोग इसको औने पौने दामों पे यहाँ पे लोकल व्यापारियों को बेच देते ख़राब होने की डर की वजह से। अब क्या है, ये प्रोसेसिंग प्लांट होने की वजह से यहाँ पे जो है हमने इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। यहाँ पे किसान डायरेक्ट भी आ सकते हैं और डायरेक्ट आकर के वैक्सिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग करा करके डायरेक्ट खुद भी सेल कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे कुछ कंपनियों हमने जो व्यापारियों को कॉन्टैक्ट करके कैंप लगाए हुए हैं उसके अंदर कुछ व्यापारी है प्लस कुछ कंपनीज भी है, वो कंपनी भी यहाँ से डायरेक्ट खरीद रही है और इससे जो है किसान भाइयों को पहले से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। 150 से 150 रुपये प्रति मण के हिसाब से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। प्लस ये जो संतरा पहले यहाँ से कम दूर जा सकता था अब वो बहुत अधिक दूर जा सकता है। यहाँ से संतरा बांग्लादेश जा रहा है, नेपाल जा रहा है, श्रीलंका जा रहा है और प्लस जो है उसको अगर अपन पैकिंग करके कोल्ड हाउस के अंदर भी उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। कुछ कंपनी वाले यहाँ से डायरेक्ट लेकर के उसको प्रिजर्व भी कर रहे हैं और ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर रहे हैं।